औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल BMS कंडी, क्लास 8, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक चंद खलाबाज ख्वातीन। प्यारे बच्चों, हमने पेज नंबर 77 तक पढ़ा, आज उससे आगे 78 पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। वहाँ उन्होंने अहम मौजूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में उन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतहब किया। 1997 ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के जरिए खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। उस वक़्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिस्र की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आँखों से ये देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमरीकी खलाई शटल कोलम्बिया के ज़रिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गई। इनके साथ एक अमरीकी खातून लार रेल भी थी। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। इसमें मौजूद सातों खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने इस कॉल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूं और इसी के लिए मरूंगी। इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। बस बच्चों, आज का सब यहीं तक है, आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।